नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूँ। क्या आपको पता है वर्ष में एक बार कोका कोला कंपनी बोतल का ढक्कन पीले रंग का क्यों बनाती है? तो वह कारण यह है कि जो पीले रंग का जो ढक्कन वाली बोतल होती है उसमें सिर्फ ढक्कन ही पीले रंग का नहीं होता, बल्कि इसमें भरी जाने वाली कोक भी लाल रंग की होती है, जिसे कोशर कोक कहते हैं। और इसी बात को दर्शाने के लिए कोक पीले रंग के ढक्कन के साथ बनाई जाती है। अब पीले रंग के ढक्कन के बाद अलग कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो इसकी एक खास वजह है जो कि यहूदियों से जुड़ी हुई है। दरअसल बसंत के महीने में यहूदियों का एक धार्मिक त्यौहार पसोवर आता है। इस त्यौहार में यहूदी स्पेशल डाइट पर रहते हैं। इस दौरान उन्हें गेहूं, राई, जौ, मक्का, चावल और बिंसा खाना मना होता है, क्योंकि कोका कोला में कॉर्न सिरप होता है, इसलिए यहूदी लोग इसे पीने से बचते हैं। इसलिए हर साल में एक बार कोका कोला अपनी एक खास प्रकार की कोक मार्केट में उतारती है। इसमें कॉर्न सिरप की जगह पर चीनी मिलाई जाती है। इसे कोशर कोक कहा जाता है। इसकी मार्केटिंग पीले ढक्कन से की जाती है ताकि लोग तुरंत पहचान लें। इस स्पेशल कोक का टेस्ट पहले से अच्छा होता है। दूसरा, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा भी कम होती है, इसलिए जैसे ही मार्केट में आती है तो कुछ लोग भारी मात्रा में इसे खरीद लेते हैं। इसका दाम भी नॉर्मल कोक की जितना ही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना मत भूलें।